Hi guys, this is Anna and welcome to yet another horror ritual. इसमें जो आपने गेम का नेम ऑलरेडी पढ़ लिया है, yes, it's the darkest game. ये ritual I don't think so अभी तक किसी ने भी करा है, बट अगर करा भी हो तो भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. तो डाइस गेम रिचुअल एक ऐसा रिचुअल है जिसमें येट अगेन आपको गेम खेलना है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, आपको डाइस के साथ खेलना है. पर आप जिसके साथ खेलने वाले हो वो होगा कोई डेविल, डीमन या कोई भी इविल स्पिरिट, जो आपकी कोई ना कोई एक विश या आपका एक आपने जो बेट रखा है वो उसको पूरा कर सकता है. तो ऐसा बहुत सिंपल सा सुनने में ऐसा लगता है, बट बहुत डेंजरस है इसमें, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है दैट मीन्स अपनी लाइफ भी डेंजर में हो सकती है. इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज मैं ट्राई करना. एंड अब हम अपने रिचुअल में बढ़ते हैं. सो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो मैं आपको गेम के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ. कुछ चाहिए, बेसिक कुछ चीज़ें चाहिए, वो है एक एक इंसान जो गेम खेल रहा है. एक बाईस्टैंडर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक इंसान जो गेम खेल रहा है. दूसरा है कि आपके पास कोई आपका कोई फेवरेट बोर्ड गेम होना चाहिए. तीसरी चीज़ है कि आपके पास दो डाइस होनी चाहिए. चौथी चीज़ है कि आपके पास एक कप होना चाहिए. देन है कि आपके पास एक टाइम कीपिंग मशीन होना चाहिए, वॉच रख सकते हो या फिर आप फोन में देख सकते हो. टाइम, आपको टाइम पता होना चाहिए कि आप, क्योंकि आपको गेम सेटअप करने के बाद आपके पास टाइम कीपिंग का कुछ एक कुछ तो डिवाइस होना चाहिए. एंड एक आपकी बेट होनी चाहिए कि आप क्या बेट लेके इस गेम में एंटर करने वाले हो. दैट्स इट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. और मैं अपना जाके गेमिंग सेटअप को पहले सेटअप करते हैं. हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक टेबल चाहिए सेटअप करने के लिए. लेट्स गो. तो हमने यहाँ पे गेम रख लिया है. ये रही मेरी दो डाइस, पिंक वाला मेरा है जो यहाँ रख रही हूँ मैं, और एक कप है जिसके अंदर दूसरा रखना है. ठीक है, मैं नहीं खेलूंगी ये जो भी मेरे साथ खेलने आएगा वो खेलेगा. और ये मैं यहाँ पे सीधा रखूंगी कि हम गेम पूरा सेटअप करने के बाद हम इस कमरे से दूसरे कमरे में चल जाएंगे, इस कमरे को बंद कर देंगे. फिर अगर हम जब वापस आते हैं तो तीन चीजें हो सकती है कि एज इट इज जैसा मैं छोड़ के गई वैसा ही रहा तो मुझे आगे नहीं खेलना है. ठीक है, सेकेंड, अगर कुछ नहीं बदला पर जो कप में मैंने डाइस डाली वो वहां पे है ही नहीं, दैट मींस भी नहीं आपको आगे खेलना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी आया उसको आपने एंगर कर दिया, गुस्सा दिला दिया. ठीक है, तीसरी चीज, चीजें में जो कप है अपसाइड डाउन हुई, मानी ऐसी उल्टी पड़ी है पूरी और उसके अंदर डाइस है तो हमें खेलना है. बट अगर अभी भी बैकआउट करने का मन हो तो अब इसी स्टेप पे करना है, इसके आगे नहीं, क्योंकि आगे हम गेम में एंटर कर चुके होंगे. हम जब अंदर रूम में जाएंगे तो हमारे पास 7 मिनट है जो अंदर ही बैठना है, पर 7 से 11 मिनट जो है, मतलब 5 मिनट के अंदर हमको कमरे में इधर आना है. अगर 11 मिनट पास हो चुके तो हम अंदर नहीं आ सकते. ओके, तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद खेलेंगे. खेल के अपनी डाइस फेंकने से पहले हमारी विश बोलेंगे. ठीक है, और एक लाइन भी बोलनी है, वो बोल के फिर हमारी विश बोलेंगे, एंड देन हम गेम खेलेंगे. और अगर वो अपसाइड डाउन में, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी डाइस का नंबर क्या है, उसके अंदर का क्या है, उसके बाद का मैं आपको बाद में बताती हूँ. मैं यहाँ पे खेलने से पहले बस मुझे एक लाइन बोलनी है तो हम चालू करते हैं. अब रिचुअल हमारा चालू करना, क्योंकि इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट फिर भी हम खेल रहे हैं 3 बजे. सो द गेम इज सेट, केयर टू मेक योर वेजर. माय विश इज आई हैव $1,000,000 इन दिस मंथ. जितने पे That's it. अब हमें अपना कमरा क्लोज करके चल जाना है. ओके गाइस, लेट्स गो. 7 मिनट्स बाद बाहर आना है एंड फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं. लेट्स गो. टाइम इसमें देखेंगे. ओके गाइस, 7 मिनट्स बाद हमें बाहर जाना है और हम अपनी जो डिमांड्स हैं हम ऑलरेडी अपनी साइड से दे चुके हैं, बट जो सामने वाला जो डेविल है वो जो डिमांड रखने वाला है वो हमें नहीं पता है. तो अगर इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हम बाहर जाने के बाद अपना डाइस खेलेंगे. ठीक है, और क्योंकि हम गेम तभी कर सकते हैं जब वो कप अपसाइड डाउन हो. ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया दोनों में नहीं खेलना है. गेम को डिसमेंटल करना है और निकलना है. ठीक है, मतलब जाके गेम ख़त्म कर देना है. बट अगर अपसाइड डाउन हुआ तो हम गेम खेलते हैं और अपनी डाइस फेंकेंगे. अपना नंबर आप ध्यान रखो और फिर उस कप को उठा के देखो कि उसके अंदर डाइस का नंबर क्या है. आपका जो नंबर है उसके डाइस के बराबर हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी विश पूरी होगी ना सामने वाले की. बट अगर आपकी नंबर ज़्यादा है और सामने वाले का कम है तो आपने जो विश बोली है वो विदिन 3-4 डेज हो जाएगी. ठीक है, बट अगर आपका नंबर
सामने वाले से कम हुआ तो आप तो हारे, वो तो है ही, आपकी विश तो पूरी नहीं होगी, बट जो उसने विश मांगी आपके लिए, मतलब उसने खुद के लिए जो विश मांगी वो पूरी हो जाएगी, और वो कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमें पता ही नहीं। सो बहुत रिस्क है। बार से आवाज है क्या? मेरे को आई ब्रो, है यार कुछ तो है। ओके गाइस, तो 7 मिनट्स हो गए हैं, अब हमें बाहर निकलना है, क्योंकि अगर 11 मिनट पास हो गई तो हम बाहर नहीं जा सकते, मतलब बाहर जा सकते हैं बट गेम नहीं खेल सकते, ठीक है? तो हमको 7 मिनट होने के जस्ट बाद हमें निकल जाना, जिससे 11 मिनट पहले हम निकल पाए। ओके लेट्स गो। मेरी थोड़ी फट रही है, जाओ जाओ। कितना ठंडा है बे, आइस हो रहा है। अभी नॉर्मल ठंड होती है, इसको पकड़ के देख, आइस हो रहा है ये, पकड़ इसको, है ना? ओके गाइस, सो आई डोंट नो क्या हुआ है, बट यहाँ पे कप ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, डाइस तो पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसको क्या करें, अपसाइड डाउन समझ के खेलें? क्लास के अलावा मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। लगा बहन तेरे पीछे कोई खड़ा था, सुअर मेरे को ऐसा लगा। ठीक है चल, मैं खेल रही हूँ, ठीक है? प्लीज 6 ही आ जाए तो वो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना। अब अगर 4 या 5 या 6 हुआ कप के अंदर तो मैं हार जाऊंगी, 4 हुआ तो टाई होगा, पर अगर 4 से कम हुआ मैं तभी जीतूंगी। देखो कैसे निकालू, ऐसे ही सीधा निकालू? मैं आंखें बंद कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, ठीक है? खोलो। प्रोबेबिलिटी कितनी कम थी यार, नहीं अपसाइड डाउन नहीं होना है, ऐसे ही होगा, पर गिरा भी, अगर अपसाइड डाउन नहीं है तो भी मेरे नंबर से ज्यादा है यार, क्या करें? बंद करते कैसे करना है इसको? उसमें बोला बस डिसमेंटल कर दो और खत्म आपका गेम। वो जो ग्लास में छूने ही नहीं जा रही,
पता नहीं क्या, अरे क्या बाय, क्या मतलब है इसका, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो नींद भी नहीं आएगी। चल छोड़ बाय।